फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ हूँ, रियल वी टू लेके हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, वोटर आईडी कार्ड का एक बड़ा अपडेट आ चुका है। तो आपको थंबनेल देख के पता लग गया कि कौन सा अपडेट है, यानी आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें मोबाइल नंबर लिंक करके क्या फ़ायदा होगा। तो बहुत सारा फ़ायदा है, कोई भी ऑनलाइन KYC करना है, कोई भी ऑनलाइन डाउनलोड वगैरह करना है, तो सब कुछ आप कर सकते हो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है। तो फ्रेंड्स फाइनली बात यही है कि अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक रहता है वोटर आईडी कार्ड से, तो आप सब कुछ कर सकते हो वोटर आईडी कार्ड रिलेटेड। तो कैसे करना है वोटर आईडी कार्ड को लिंक, तो इस वीडियो में दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप फर्स्ट टू लास्ट तक देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, और इस प्रोसेस को आप मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ब्राउजर ओपन करके आपको टाइप करना है nbsp.in, तो टाइप करके आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, आप देख सकते हो, और आपको एक न्यू लिंक दिया गया है ऊपर, आप देख सकते हो टॉप साइड में। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके स्टेट नेम नहीं है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए मेरा स्टेट है आसाम और मेरा स्टेट नेम इधर शो नहीं हो रहा है, तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कैसे करना है मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, सब कुछ आपका सामने रहेगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप जब क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करते फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा। तो पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है या रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर ऑलरेडी नहीं किए हो तो आप पहले रजिस्टर कर लीजिए, और अगर आपका रजिस्टर हो चुका है तो लॉगिन पे क्लिक करके आप यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह देके लॉगिन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक कर दिया, मेरा यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी है, तो इसमें कैप्चा डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा, और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म्स का। देखिए मैंने मार्क कर दिया, फॉर्म्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इसी ऑप्शन में ही आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इसमें क्लिक करते ही आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, और नीचे आपको मिलेगा देखिए फॉर्म 8। तो फॉर्म 8 के अंडर में आप देख सकते हो, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से आएगा। तो अगर आपका ही वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना है तो सेल्फ कीजिए, अगर किसी और का करना है तो अदर इलेक्टर्स इसमें क्लिक करके उनका जो एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर है डाल के आपको सबमिट करना है। तो मैं सेल्फ में ही करने वाला हूँ, देखिए सेल्फ में क्लिक कर देता हूँ। सेल्फ में क्लिक करते ही जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि रजिस्टर के टाइम में मैंने इस एपिक नंबर को दिया था, यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर को दिया था। फिर सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा, और इसमें आपको चार ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, करेक्शंस ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, तो इसी ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से फॉर्म शो हो जाएगा, और इसी फॉर्म को ही आपको फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको ABCDE इस टाइप से मतलब सेपरेटली दिया गया है, तो वन बाय वन करना है और आपको नेक्स्ट करना है। अगर नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएंगे तो आपका जो फॉर्म है, फॉर्म आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, किसी किसी ऑप्शन में जाके कोई भी डिटेल्स आप पुट ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपका नाम एपिक नंबर ऑलरेडी रहेगा, और अगर आपका आधार कार्ड है तो इसमें टिक करके आपका आधार नंबर इधर एंटर कर दीजिए, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो दे सकते हो, अगर नहीं है तो मत दीजिए, एक कंपलसरी नहीं है तो मैं नहीं देने वाला हूँ। फिर आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इधर आप देख सकते हो प्रीवियस एंड नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज में जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा। तो इसमें क्या चेंज करना है, तो ओनली मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो इसमें टिक कर देना है। तो टिक करने के बाद आप जिस मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हो तो उस मोबाइल नंबर की इधर एंटर कर दीजिए, एंटर करके सेंड OTP कर दीजिए। तो सेंड OTP करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को इधर एंटर करके फिर आपको वेरीफाई कर देना है। तो वेरीफाई में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये सही OTP है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने OTP डाल दिया, फिर इसमें वेरीफाई में क्लिक कर दिया, तो वेरीफाई में क्लिक करने के बाद वेरीफाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक करके ही आपको नेक्स्ट स्टेप में आना है। तो फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट पे नहीं क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आएंगे, कोई भी डिटेल्स आप पुट नहीं कर पाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यही ट्रिक्स है इस एप्लीकेशन को करने का। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक कर दिया, फिर इसमें भी आ जाएगा और टिक हो जाएगा, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में मेरा जो स्टेट सिलेक्शन ये सब में टिक आया है, डिटेल्स में टिक आया है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर टिक आया है, डिक्लेरेशन में अभी मैं जो प्लेस है प्लेस को इधर टाइप करके फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट करने के बाद ही मेरा जो सबमिशन में जो कैप्सा दिया हुआ है, कैप्सा को मैं डाल पाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने नेक्स्ट कर दिया, तो नेक्स्ट करने के बाद इस कैप्सा को डाल देता हूँ, फिर
प्रीवियस में क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कैप्चा रॉन्ग हो चुका है, फिर से मैं इधर डाल देता हूँ। डालने के बाद फिर प्रीव्यू में क्लिक कर देता हूँ। तो प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद इस टाइप से फॉर्म शो हो जाएगा और इस फॉर्म में आपका सब कुछ डिटेल्स फिल किया हुआ। तो एक बार चेक कर लेना है कि सभी डिटेल्स ठीक है या नहीं। तो चेक करने के बाद फिर फाइनल सबमिट में क्लिक कर देंगे, फिर यस कर देंगे। तो यस करते ही आपका जो फॉर्म है फाइनली सबमिट हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि ये जो रेफरेंस नंबर है थोड़ा लंबा है और थोड़ा डिजिट ज़्यादा है। तो इस रेफरेंस नंबर को आप किसी भी वेबसाइट से नहीं कर सकते हो, NBSP या ECI का, आपको इसी वेबसाइट से ही करना है, तब जाके आपका ट्रैक होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ट्रैक करना आपको दिखा दिया कि इस टाइप से आपको ट्रैक करना होता है और इस टाइप से आपका डिटेल्स वगैरह शो होता है कि सबमिट कब हुआ, BLO अपॉइंटमेंट कब होगा, या इसमें FBR वेरिफिकेशन ए भी होगा, फिर आपका अगर हियरिंग होना है तो हियरिंग भी होगा। तो इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जाएगा। कुछ स्टेप इसमें ऐसा है जिसमें कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता है, ऑटोमेटिक से ही मतलब नेक्स्ट स्टेप में चला जाता है, तो इस हिसाब से भी होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द कर लीजिए और वोटर आईडी कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करवा लीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।